हेलो एवरीवन, इस साल मेरी 2022 में AIR 12 आई है। मैं जैसा सोच के आया था उससे काफ़ी अच्छा यहाँ मिला, माहौल मिला, बच्चे मिले, बच्चे यहाँ के बहुत अच्छे हैं। सुबह आना 8 बजे, रात को 9 बजे जाना। और जिस दिन पेपर था उसके एक दिन पहले सर सर आए, उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा, आशीर्वाद दिया। यहाँ पे आना ये मेरी ज़िंदगी के मतलब एक तरीके से काफ़ी अच्छा निर्णय रहा। टॉपर से मिलते हैं जिनका ऑल इंडिया रैंक 12th है, विवेक पांडे से, जो कि इलाहाबाद, आप जिसको प्रयागराज बोलते हैं वहां से, यूपी से। तो सबसे पहले विवेक, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। ऑल इंडिया रैंक 12th के लिए विवेक का भी आप लोगों ने इंटरव्यू जरूर देखा होगा, जूम इंटरव्यू हुआ था, क्योंकि अब अवार्ड सेरेमनी में विवेक है तो मैंने सोचा एक अलग तरीके से इंटरव्यू लिया जाए। तो विवेक के बारे में बताना चाहूंगा, विवेक क्लासरूम स्टूडेंट है और इन्होंने ड्रॉप लिया था, और ड्रॉप का डिसीजन लेने में कई बार कई लोग रुक जाते हैं, घबरा जाते हैं, कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। तो विवेक, पहले तो आपकी लास्ट ईयर क्या हुआ आपके साथ, फिर आपने ड्रॉप लिया वो, और आपकी सक्सेस जर्नी और सक्सेस की क्या है? हेलो एवरीवन, इस साल मेरी 2022 में AIR 12 आई है, जिसमें कई सारे लोगों का योगदान है। सबसे पहले भगवान को शुक्रिया करना चाहूँगा, जिन्होंने काफ़ी हर समय पे अलग अलग तरीक़ों से मेरी मदद की। मेरे परिवार, मेरे भैया, मम्मी, दीदी, दादी, सब ने मेरी काफ़ी सपोर्ट किया। और लास्ट ईयर निमसेट का मुझे पता चला मेरे एक दोस्त आशुतोष आनंद से, उसने मुझे निमसेट के बारे में बताया, उसने BCA किया था, तब मुझे निमसेट के बारे में पता चला। मैंने 2021 में निमसेट दिया था, तो पहले तो मैंने सेल्फ स्टडी की, फिर उसके बाद जब दिसंबर आया तो फिर मुझे लगा टेस्ट कुछ कोचिंग मैंने सर्च किया यूट्यूब से, इम्पिटस गुरुकुल ही मुझे कोचिंग दिखी, तो मैंने इसका फास्ट ट्रैक कोर्स ज्वाइन किया। मैंने कोर्स तो ले लिया, लेकिन ऑनलाइन था और थोड़ा मैं इरेगुलर था, जिसके कारण मैं टेस्ट सीरीज़ जो टेस्ट होते थे वो रेगुलर नहीं दे पाता था, ना देता था, कुछ देता था, सारे नहीं दे पाता था, जिसके कारण बहुत सारी कमियां रही, जिसके कारण लास्ट ईयर 2021 में मेरी AIR 1100 के अप्रॉक्स आई। जब रिजल्ट आया तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंट था, क्योंकि मैथ्स निमसेट का वेटेज होता है और मैथमेटिक्स स्ट्रांग थी, तो मैंने सर से बात किया और मैंने डिसाइड किया कि मुझे यहाँ आना चाहिए भोपाल ऑफलाइन, क्योंकि मेरा ऑनलाइन में इनपुट नहीं मिल पा रहा था, मुझे इतना रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था खुद से, मैं इतना प्रिपेयर डिसिप्लिन नहीं था। डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है, यहाँ पर इन्वायरमेंट मिलेगा तो मैं अच्छे से ग्रैप्स कर पाऊँगा, ऐसा सोच के फिर सर से बात किया। और कुछ चीज़ें सर ने बोली जो मैंने सुनी और मुझे लगा कि हाँ, काफ़ी हद तक ये चीज़ें ठीक है। सर ने बोला कि ये जो एक साल तुम ड्रॉप ले रहे हो, ये क्या है, ये इन्वेस्टमेंट है, बहुत सही चीज़ है ये, हाँ ये इन्वेस्टमेंट है, आगे के जो हमारे 25-50 जो भी साल हैं उसके लिए ये एक साल इन्वेस्टमेंट है। ये एक साल अगर मैंने डेडिकेशन से दे दिया तो आगे के बाकी साल जिस जगह मैं जाऊँगा वो बहुत अच्छी होगी। तो ये सोच के मैं यहाँ आ गया, और मैं जैसा सोच के आया था उससे काफ़ी अच्छा यहाँ मिला, माहौल मिला, बच्चे मिले, बच्चे यहाँ के बहुत अच्छे हैं, सारे फ्रेंडली हैं, यहाँ का जो पढ़ाई का इन्वायरमेंट है वो काफ़ी अच्छा था। सुबह आना 8 बजे, रात को 9 बजे जाना, काफ़ी डिफरेंसेस भी मैंने देखे ऑनलाइन और ऑफलाइन कोर्सेज में। ऑनलाइन में था कि मैं वीडियोज़ देखता था, सुबह देखता था, कभी शाम को देखता था, रेगुलर नहीं था, लाइव कभी कभी नहीं देखता था, कुछ काम आ जाते थे बाद में देख लेंगे। यहाँ पे आया तो एक डिसिप्लिन मिला जिसको मैंने फॉलो किया, और सुबह से शाम तक बैठना यहाँ पे सीखा, जो बहुत ही अच्छा रहा। क्वेश्चंस को करने के तरीके मुझे पता चले यहाँ पे कि एक ही क्वेश्चन के करने के कई तरीके हो सकते हैं, जैसा कि सर ने बताया, क्वेश्चन को लॉजिक से भी किया जा सकता है, कॉन्सेप्ट से भी किया जा सकता है, बहुत सारी चीज़ें। फिर क्वेश्चन इसमें क्या होता है कि क्वेश्चन में टाइम जो लगता है वो कम हो जाता है, जो बाकी क्वेश्चन में हम दे सकते हैं, ये बहुत सारी चीज़ें थी। और मैं अक्टूबर में यहाँ पे आ गया था, अक्टूबर से तकरीबन 8 महीने यहाँ रहा, जो मेरी ज़िंदगी का बहुत ही मतलब अच्छा पल रहा, बहुत ही अच्छे से गुजरा, एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। लास्ट में ऑफलाइन का एक और फ़ायदा है, यहाँ पे कई सारी अलग अलग चीज़ें सर करवाते हैं, कभी ये कभी वो, मतलब कि लास्ट में अगर हम देखें तो हमारी जो टेस्ट सीरीज़ थी उसके पहले आधे घंटे सर में बैठाते थे, कुछ नहीं करना होता था उसमें, जैसे निमसेट में होता है कुल मिला के वही करना होता था, आधे घंटे यहाँ पे आके चुपचाप बैठना था और उसके बाद फिर टेस्ट देने थे, तो
तो माहौल मिलता था निमसेट का। जो मोटिवेशन यहाँ लास्ट के दो हफ्ते में मुझे मिला वो ऑनलाइन लास्ट ईयर नहीं मिल पाया था, जो यहाँ पे आके मुझे मिला तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहा। और जिस दिन पेपर था उसके एक दिन पहले सर सर आए, उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा, आशीर्वाद दिया, वो चीज़ें मुझे एग्ज़ाम दिन तक याद रहीं और वो चीज़ मुझे काफ़ी मोटिवेट किया। जो एक होता है ना, अगर खुद पे कॉन्फिडेंस होता है, इन्हीं सब चीज़ों से कॉन्फिडेंस आता है, और मेरा कॉन्फिडेंस काफ़ी हाई हो गया क्योंकि कॉन्सेप्ट तो सर के कारण जो उन्होंने बताए थे काफ़ी अच्छे थे, मैंने प्रैक्टिस भी काफ़ी की थी। बुक्स की बात करें तो बुक्स मैंने इरललेस किया था, सारे टॉपिक्स मैंने छुए थे, कुछ टॉपिक्स को मैंने दो बार किए थे लेकिन सारे टॉपिक्स को मैंने नहीं कर पाया था क्योंकि समय नहीं बचा, इतने टेस्ट सीरीज आ गए, DPT इतने मटेरियल हो गए कि सारे टॉपिक्स को कवर कर पाना, फिर टेस्ट सीरीज की एनालिसिस नहीं हो पाती थी, इसलिए मैंने एनालिसिस को ज़्यादा समय दिया क्योंकि वो सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं टेस्ट में आते थे। जितने भी जो बोलते हैं बच्चे आरडी के सारे क्वेश्चन सर जो हमारे लिए ज़रूरी हैं वो टेस्ट में देते थे, तो मुझे सर पे बिलीव था कि सर सारे क्वेश्चंस वो दे देंगे जो हमारे लिए ज़रूरी हैं, वो टेस्ट के थ्रू दे देंगे जेई मेंस के। तो सारे क्वेश्चंस आए, मैंने किए, हालांकि वो सारे क्वेश्चंस जो थे वो बहुत ज़्यादा, मतलब कि अगर आपका टाइम 5 मिनट से ज़्यादा क्वेश्चन कोई ले रहा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उससे थोड़ा लॉजिक बिल्ड होता है जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहा, तो काफ़ी अच्छा रहा मेरा इम्पिटस में अनुभव जो रहा काफ़ी अच्छा रहा। और यहाँ पे आना ये मेरी ज़िंदगी के मतलब एक तरीके से काफ़ी अच्छा निर्णय रहा। ठीक है, विवेक ने एक बात बोली, आप लोगों ने अगर इसके पहले हर्ष का इंटरव्यू सुना होगा तो उसने बोला कि वो उसका रूटीन अलग था। देखिए सबके अपने अपने एक्सपीरियंस होते हैं, मैं आप सबको बोलूँगा, जैसे विवेक को लगता था घर पर ये उतना डिसिप्लिन रख नहीं पाए, और मैं हमेशा बोलता अगर ऑनलाइन में आपसे डिसिप्लिन नहीं आ रहा तो आपको क्लासरूम बिल्कुल आ जाना चाहिए बिना देर करे, और अगर आप ऑनलाइन में बहुत सिंसियरली पढ़ पा रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन का साथ जो आपने भी बात बोली कि हर चीज आपके ऊपर होती है, टेस्ट देना है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्लास आपको लाइव करनी है बाद में करनी है, पर क्लासरूम में आ गए तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, तो ये डिसीजन पर्सन टू पर्सन होता है। तो विवेक का अपना एक्सपीरियंस है, हर्ष का अपना, आप देखोगे ढेरों बच्चों के अपने अपने अलग अलग एक्सपीरियंस होंगे, पर इन एक्सपीरियंस में आप अपने आप को असेस करो कि आप सही में क्या सबसे अच्छी परफॉर्मेंस कहाँ दे सकते हैं, कितने हाईली डिसिप्लिन, अगर डिसिप्लिन नहीं है तो बिल्कुल देरी ना करें, सेल्फ स्टडी से अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं सेल्फ स्टडी करें, नहीं कर सकते ऑनलाइन पढ़े, ऑनलाइन में डिसिप्लिन नहीं आ रहा क्लासरूम आए, पर कोई ना कोई एक एक्शन जरूर ले, क्योंकि अगर आपने एक्शन नहीं लिया तो एक बात समझ के चलिए कि फिर आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, बाद में बहुत अफसोस होगा, और जिस दिन सोचो उस दिन से एक्शन जरूर लेना। तो विवेक आपने काफ़ी सारी चीज़ें डिटेल में बताई और सब कुछ आपने लगभग बता दिया, पर आपको जूनियर्स के लिए क्या मैसेज होगा, और जो बच्चे ड्रॉप लेने से डरते हैं, जब आपने ड्रॉप लिया तो आपको तो फैमिली का सपोर्ट था, पर कई बार नहीं भी होता है, कन्विंस करना मुश्किल होता है, या आपने देखा होगा आपके साथ के कुछ फ्रेंड ने कंप्रोमाइज़ भी कर लिया है ना, ऐसा हुआ ही होगा जैसे, और आज आपने नहीं किया, या उस समय कई बार लगता है यार अपना दोस्त यहाँ जा रहा है, तो आपका क्या मैसेज होगा? देखिए फैमिली का सपोर्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मेरे कुछ दोस्त थे जिसके कारणवश उनके फैमिली ने सपोर्ट नहीं कर पाई, फिर भी वो यहाँ पे आके पढ़े और उन्होंने रिजल्ट भी दिया। जूनियर्स को यही मैसेज है, हार्डवर्क कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है, हार्डवर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी ज़रूरी है, कौन से टॉपिक्स निमसेट में ज़्यादा आते हैं, कौन से टॉपिक्स कम आते हैं, कौन से टॉपिक्स के लेवल ज़्यादा आते हैं, कौन से कम आते हैं, वो सब भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो स्मार्ट वर्क के साथ पढ़िए, कंसिस्टेंट रहिए, टेस्ट सीरीज दीजिए, टेस्ट पेपर देना बहुत ज़रूरी है, उसका एनालिसिस और भी ज़रूरी है, क्योंकि आप एनालिसिस देते हैं तो कुछ क्वेश्चन माइंड में स्ट्राइक, जैसे कुछ क्वेश्चन नहीं आए आपको पेपर के समय, नहीं आते हैं टेस्ट समय, तो वो क्वेश्चन आपके माइंड में स्ट्राइक हो जाते हैं, वो कॉन्सेप्ट स्ट्राइक हो जाता है, फार्मूलेज रिवाइज कीजिए, डिस्ट्रैक्ट मत होइए, फोकस रहिए, अपने आप को सीमित कीजिए, बहुत सारे जगहों से आप सोशल मीडिया से कोशिश करिए दूर रहिए, सीमित रखेंगे अपने आप को तो फोकस कर पाएंगे, अगर आप सोशल मीडिया यूज करेंगे ज़्यादा तो आप डिस्ट्रैक्ट होने के ज़्यादा चांसेस हैं, तो इसीलिए आप पढ़िए, हार्डवर्क कीजिए, अपने आप को मोटिवेट कीजिए, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो खुद से मोटिवेट कीजिए, लेक्चर्स देख रहे हैं सर के उससे मोटिवेट हुए, यहाँ पे तो सर हमेशा कुछ ना कुछ करके मोटिवेट हम लोग को कर ही देते हैं, तो यहाँ पे तो दिक्कत नहीं होता ऑफलाइन में, ऑनलाइन है तो सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है, और अपने आप पे कॉन्फिडेंट रहिए कि हाँ आप कर सकते हैं और हो भी सकता है। निमसेट बहुत बड़ा एग्ज़ाम नहीं है, मतलब जेई के लेवल का क्वेश्चन इसमें इजी आते हैं, मेरा भी था, मैंने जब पेपर दिया था मुझे लगता था कि लास्ट के 10 ईयर जो पेपर थे वो काफ़ी इजी आए थे,
मेरा जो आएगा पेपर भी जो मैं पेपर दूंगा वो काफ़ी हार्ड हो जाएगा। हर स्टूडेंट में होता है, हर स्टूडेंट में फियर होता है। ड्रॉपर में अलग फियर होता है कि मैं ड्रॉप लिया हूँ अब क्या होगा नेक्स्ट ईयर, कुछ नहीं होगा। अगर आप सबको पता होता है कि वो अगर नेक्स्ट ईयर ड्रॉप ले रहा है वो कर लेगा तो भी भाई ड्रॉप लो। सबको पता होता है कि हाँ मैं अच्छे से पढ़ सकता हूँ, मुझे पता था मैं यहाँ पे आऊँगा डिसिप्लिन में रहूँगा तो मैं कर लूँगा, तो मैंने सोचा नहीं, मैंने सीधा एक्शन लिया। एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। और फ्रेशर के भी माइंड में रहता है कि ये तो ड्रॉपर है, इसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो फियर दोनों के पास होता है, तो वो मैटर नहीं करता। कितना आप कंसिस्टेंट रहते हैं ये मैटर करता है। एक साल है, एक साल में आप कितना कंसिस्टेंट से पढ़ाई करते हो वही मैटर करेगा। तो विवेक आपने काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट बातें बताई। इनफैक्ट आपने जो अभी एक बात समझी कि लास्ट ईयर आपने टेस्ट पेपर ही सीरियसली नहीं दिए और इस बार इसने सारे पेपर सीरियसली दिए, उनका एनालिसिस बहुत अच्छे से किया और वो एक बहुत इंपॉर्टेंट की होती है। चलिए वंस अगेन कंग्रेचुलेशन, आप NIT में, त्रिची में भी जाके ऐसे ही परफॉर्म करो। थैंक यू सो मच।